आज हम देखेंगे सोन गंगा अपवाद तंत्र। ये छत्तीसगढ़ के मानचित्र में आप देखिए कि ऊपर जो लाल रंग से दिखाया गया है वो सोन नदी है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर, ये जिले सोन गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। सोन नदी जो है इसका ढाल पूर्व की ओर है, सहायक नदी है, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में सोन नदी अपवाह तंत्र पाया जाता है। इन 5 जिलों में कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर राज्य का तीसरा अपवाह तंत्र है। जल धारण 13.63%, विस्तार 18.78 हजार वर्ग किलोमीटर। उत्तर छत्तीसगढ़ की नदियाँ उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। कारण इसका यह है कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग का जो ढाल है वो उत्तर की ओर होता है। अब देखिए कि सोन नदी की सहायक नदी है बनास नदी, जो कोरिया जिले से निकलती है। गोपद नदी ये बनास नदी की सहायक नदी है। नेयूर नदी भी कोरिया जिले से निकलती है और रिहंद नदी सरगुजा जिले से निकलती है और कन्हार नदी जसपुर जिले से निकलती है। अब देखते हैं हम एक एक करके कि बनास नदी, बनास नदी का उद्गम स्थल है मंच टोली पहाड़ी, तहसील भरतपुर, जिला कोरिया। इसकी सहायक नदी है गोपद नदी। गोपद नदी बनास नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल है सोनहट का पठार, जिला कोरिया। उसके बाद नेयूर नदी है। नेयूर नदी भी कोरिया जिला से निकलती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा रेखा बनाती है। रिहंद नदी सरगुजा जिले से निकलती है। इसका उद्गम स्थल है छुरी मतिरंगा पहाड़ी, तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा। विसर्जन होता है इसका सोन नदी में। रिहंद नदी की कुल लंबाई है 145 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र है सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर, ये 3 जिले से होकर जाती है। सहायक नदी है गुनगुटा, मोरनी, महान, सूर्य नदी। ऊपर आप देख सकते हैं सूर्या नदी, मोरनी और महान नदी। सरगुजा की जीवन रेखा रिहन नदी कहलाती है। इसके तट पर महेशपुर सरगुजा पुरातात्विक स्थल है। रिहंद बांध मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय है और सरकंडा जलप्रपात सूरजपुर जिले में है। अंतिम में देखते हैं कन्हार नदी। इसका उद्गम स्थल है बखोनी चोटी बगीचा, जिला जसपुर। विसर्जन होता है इसका सोन नदी में। इसकी कुल लंबाई है 115 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र है जसपुर और बलरामपुर। सहायक नदी है पेंजन, सिंदूर, गलफुला और चनान। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा रेखा बनाती है कन्हार नदी। इसके तट पर डीपाडी बलरामपुर पुरातत्विक स्थल है। कोठली जलप्रपात कन्हार नदी पर है और पवई जलप्रपात चनान नदी पर है। इस प्रकार फिर से देखें, ये बनास नदी, गोपद नदी, नेयूर नदी, रिहंद नदी और कन्हार नदी। अब देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में कितने जल अपवाह तंत्र हैं, तो इसका उत्तर होगा 3, 4, 5, 6, तो इसका उत्तर होगा 5। स्लाइड पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बखोना पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है, मांड, हसदो, ईब, आहरिन और कन्हार, तो इसका उत्तर है कन्हार। अब देख सकते हैं प्रमुख नदियों को उनकी सहायक नदियों से सुमेलित कीजिए, गंगा, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, बंजर, सोन, बोरई और इंद्रावती। तो हम देख सकते हैं कि गंगा की सहायक नदी है सोन नदी, और इस प्रकार आप देखिए गंगा की सोन नदी है, महानदी की बोराई है, गोदावरी की इंद्रावती है और नर्मदा की बंजर नदी है। रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो सोन नदी की सहायक नदी है। गंगा अपवाह तंत्र में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है,
कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर और कोरबा। तो हमने देखा था कि कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर, ये पांच जिले गंगा या सोन नदी अपवाह तंत्र में आते हैं। तो इसका आंसर होगा कोरबा। गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं बोराई, गोपद, नेयूर, रिहन और कन्हार। तो हमने देखा था कि ये पांचों नदियां हैं, अतः इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अब देखते हैं डीपाडी पुरातत्व तो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो डीपाडी पुरातत्व तो स्थल किस नदी के तट पर है? कन्हार नदी के तट पर है। सरगुजा जिले की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? तो सरगुजा जिले की जीवन रेखा कहलाती है रिहंद नदी। गोपद नदी किस जिले से प्रवाहित होती है? तो गोपद नदी प्रवाहित होती है कोरिया जिले से। धन्यवाद।